और यातायात के सारे नियमों का पालन करूंगा। जय हिंद। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं और घर से निकल रहे हैं तो पहले ही सावधान हो जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फर्ज करें कि आप घर से निकले, सड़क पर पहुंचे और अचानक आपके सामने यमराज प्रकट हो जाए तो ताजुब मत मानिएगा, क्योंकि आजकल लखनऊ की सड़कों पर साक्षात यमराज टहल रहे हैं। वैसे तो यमराज ईश्वर का भेजा हुआ दूत होते हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, इंसान के शरीर से उसके प्राण निकाल लेना। लेकिन लखनऊ की सड़कों पर टहल रहा यमराज इससे अलग है। ये आपके प्राण लेने नहीं बल्कि बचाने का काम कर रहा है। जी हाँ, ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए पुलिस से लेकर कई सामाजिक संस्थाएं लोगों को जागरूक करते करते थक चुकी हैं। लेकिन लोग हैं कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते हैं, वो बगैर हेलमेट के ही घर से निकल पड़ते हैं। लेकिन अपने प्रति लापरवाही और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के मकसद से अब यमराज का ही सहारा लिया जा रहा है। यमराज घूम घूम कर उन लोगों को खोज रहा है जो बगैर हेलमेट पहने सड़क पर बाइक लहरा रहे होते हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के हजरतगंज स्थित अटल चौक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि अचानक बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल पर सवार युवक ने जब चौराहा पार किया तो खुद यमराज उसको रोक कर उसके पीछे बैठ गए और बोले, चलो मेरे साथ यम लोग। यमराज की आवाज सुनते ही युवक के होश उड़ गए। बस फिर क्या था, वो यमराज के आगे गड़गड़ाने लगा। खैर, यमराज ने उसे आगे से हेलमेट पहनने का आदेश देकर छोड़ दिया। लेकिन इसी बीच एक दूसरा शख्स भी बिना हेलमेट के दिखाई दिया। यमराज लपक कर उसके पीछे बैठ गए और उसे चौराहे के किनारे ले आए। जहां गाड़ी रुकी वहीं हेलमेट मैन ऑफ लखनऊ भी पधार गए, जिसके बाद बिना हेलमेट लगाए शख्स से पूछा गया कि आप यमराज के साथ जाना पसंद करेंगे या हेलमेट मैन के साथ, जिसके बाद बाइक वाले ने अपनी गलती मानी और आइंदा से हेलमेट लगाने का वादा किया। इस दौरान महापौर संयुक्ता भाटिया ने वाहन चालक को हेलमेट पहनने के फायदे समझाए और सदैव हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई। आप बताइए किसके साथ जाएंगे? वो कहाँ है? अरे बॉक्स कहाँ है? बॉक्स का कोई ले आइए, कोई ले आइए, कोई ले आइए, कोई ले आइए, ये जाए करवाइए। और यातायात के सारे नियमों का पालन करूंगा। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत टीवी।